जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा ट्वेंटी फोर पर तैयारी अड्डा ट्वेंटी फोर इंडिया नंबर वन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप यस हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग फॉर वाचिंग नो कमेंट हाँ डेविल गर्ल बहुत बढ़िया चले तो लेट्स स्टार्ट द सेशन और ठीक है तो आप जानते हैं कि अब बस आ ही गया है वो टाइम तो यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम है आपका फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर एंड टूडेज़ थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट देन एक तारीख दो तारीख़ तीन तारीख और फिर एग्ज़ाम ठीक तो गईज़ हमने डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ने पूरी तैयारी कर ली है तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करें जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा पढ़ाई शुरू कर दें ठीक है तो बहुत सारी पढ़ाई को आपको शुरू करना है और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यार इसको वगैरह करो आ रहा है. हो गया आप लोगों को. पार्टिसिपेशन ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है देखिए ये क्वेश्चंस वहां से आए हैं इस साल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमीशन एग्जाम में ये बेसिकली बीपीएससी के एग्जाम से पूछा गया है कि फिफ्टींथ फिनेंस कमीशन में कौन इस साल मेंबर नहीं थे तो फ़िनेंस कमीशन के बारे में आप मुझे पहले यह बताएं कमेंट सेक्शन में कि फिनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है और इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है यानी कि फिनेंस कमीशन को कौन बनाता है गठित करता है ये सब मुझे आपसे जानना है फर्स्ट क्वेश्चन वॉट आई एम आस्किंग कि फिनेंस कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ओके okay. विच आर्टिकल इज अंदर ये फाइनेंस कमीशन आता है दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं कि कौन किसके पास ये पावर है कि हर साल या पांच साल में एक बार या तीन साल में एक बार यह फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है क्वेश्चन नंबर वन कम्स अंडर विच आर्टिकल क्वेश्चन नंबर टू हु कॉन्स्टिट्यूट इट आई विल नॉट आंसर दीज क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन दीज आर द प्रोडिक्टेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इस बार जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के ये कौन है ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं ठीक है तो आर्टिकल जो है वो बताया गया है एक स्टूडेंट बता रहे हैं राकेश है रजत है ये बता रहे हैं कि आर्टिकल जो है वो है 280 ओके कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है और नंद किशोर सिंह जी यानी कि एन के सिंह इस बार इसके चेयरमैन रहे हैं तो जब एन के सिंह इसके चेयरमैन रहे हैं तो इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जो इसके चेयरमैन या जो इसके मेंबर नहीं रहे तो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन आपको दिख रहा है अशोक कुमार लहरी सुदिप्तो मुंडले या रमेश चंद जी या अजय नारायण झा तो बेसिकली आंसर क्या होगा देखें शक्तिकांत दास अनूप सिंह अशोक लहड़ी अजय नारायण झा और प्रोफेसर रमेश चंद इस बार इसके मेंबर रहे ठीक है ठीके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुदीप्तो मुंडले जो हैं वो नहीं है अजय नारायण अजय नारायण झा आपको दिख रहे हैं रमेश चंद आपको दिख रहे हैं ओके और अशोक लहड़ी दिख रहे हैं तो ये तीनों तो हैं ही इनके साथ अनूप सिंह और शक्तिकांत दास भी हैं लेकिन सुदीप्तो मुंडले इसके मेंबर नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन जब भी जब भी एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो भी खर्च होती है और जो कलेक्शन होता है यानी कि जो भी आए यानी जो भी पैसा जमा होता है कलेक्शन कलेक्शन का मतलब है रेवेन्यू जो होता है ठीक है तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ये दो शब्द हैं अगर ऐसा हुआ कि रेवेन्यू जो भी आपके पास पैसा है वो ज्यादा है ठीक है और एक्सपेंडिचर कम है तो ये एक अच्छी बात है यानी कि आपके पास पैसे ज्यादा बच गए तो आप सरप्लस में हैं लेकिन अगर ऐसा है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया तो एक्सपेंडिचर एक्चुअली ज्यादा है लेकिन आपके पास कलेक्शन कम है तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डेफिसिट इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं डेफिसिट कहते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे राइट तो डेफिसिट और एक्सपेंडिचर को आप इतना ध्यान से क्लियर समझ में आ गया आपको तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार बजट के अनुसार जो 2021-22 का रहा बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ये डिफरेंस होता है कि बजट आगे के बारे में है यानी कि अभी जैसे 2022 है 2022-23 -20, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो अभी तक हो चुका है जैसे 2021-22 -20 तक जो चीज हो चुकी है उस बारे में है तो एज पर यूनियन बजट 2021 2021 द फाइनेंशियल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच परसेंटेज आई एम गेटिंग रॉन्ग रॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप लोग देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तो ट्रेंड इन डेफिसिट जो है वो ऊपर नीचे रहा और इस बार ये ट्रेंड इन डेफिसिट 6.8 परसेंट पे रहा 6.8 परसेंट पे आपका ये ट्रेंड रहा ठीक है ओके okay. क्लियर चले नेक्स्ट नेक्स्ट है हिस्ट्री से क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन तो आप बताइए इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या क्रिप्स मिशन या लॉर्ड वेवल एज गवर्नर जनरल या कैबिनेट मिशन कौन सा सबसे पहले हुआ ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में यस इंडिया इंडिया मिशन कब हुआ साल बताएंगे सबका साल बताइए क्विट इंडिया का साल कौन सा हो जाएगा ऑगस्ट 1942 है ना क्रिप्स मिशन कब है क्रिप्स मिशन भी 1942 है लेकिन क्रिप्स मिशन पहले हुआ था कैबिनेट मिशन कब हुआ है कैबिनेट मिशन तो 1956 में हुआ है राइट लॉर्ड वेवल कब बने हैं तो लॉर्ड वेवल जो है ये सबसे पहले होगा क्योंकि लॉर्ड वेवल जो है 1943 में बने सो तो आप लोगों का आंसर सही नहीं आ रहा है है ना क्रिप्स मिशन हुआ है लेट मार्च 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है 8th ऑफ ऑगस्ट 1942 और 15 जून 1943 में ही लॉर्ड वेविल वाज गिवन द पोजीशन ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान कब आया तो 1946 में आया आर वी क्लियर विद दीज टर्मिनोलॉजी या ये जो आप क्रोनोलॉजी देख रहे हैं अब समझ में आ गया ठीक है चलें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन 1942 हाँ, तो ओबियसली आंसर तो यही है क्रिप्स मिशन ठीक है आंसर भी टिक कर देते हैं एक सेकेंड आप लोग कंफ्यूज ना करें इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये सुदीप्तो मुंदले फाइन ओके उसके बाद आंसर क्या है सिक्स पॉइंट एट फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए ये है नाइनटीन फोर्टी टू ये भी है नाइनटीन फोर्टी टू ये है 1943 ये है 1946 लेकिन ये है अगस्त और ये है मार्च तो आंसर होगा अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन फाइन नेक्स्ट अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन विल बी द आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हजारीबाग में जेल है और हजारीबाग के जेल से कौन से पर्सनालिटी यहाँ से स्केप कर गए थे क्या ये सच्चिदानंद सिन्हा थे क्या ये जयप्रकाश नारायण थे क्या ये जगदीव जग जीवन राम जी हैं या रफी अहमद किदवई हैं तो हजारीबाग जेल से स्केप करने वाले जो पर्सनालिटी है वो है जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण वहाँ पे उनका वो बीमार हो गए थे ही वॉज इल और योगेंद्र शुक्ला वॉक टू गया विथ जयप्रकाश नारायण ऑन हे सोल्जर और शोल्डर शोल्डर uh, और फिर आर डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर और ये वहां से मतलब स्केप कर गए जयप्रकाश नारायण नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है और अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे अगर ये क्वेश्चन भी देखेंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे दोनों कॉमन क्या है दोनों में यही पूछा गया है कि गवर्नमेंट पे भी देखिए गवर्नमेंट है और यहां पे भी आप देख सकते हैं एंट्रिम गवर्नमेंट है तो पूछ फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एंट्रिम गवर्नमेंट में कौन बने थे या राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने उनका कौन सा प्रोफाइल था या पोर्टफोलियो कौन सा था कौन से मंत्रालय में वो थे तो क्या वो फिनेंस मिनिस्टर थे क्या वो डिफेंस मिनिस्टर थे या आ, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जी ये बताएंगे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ठीक है तो ये थे खाद्य मंत्री ठीक है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद जी इसको आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन आप देखिए हु वाज़ द फिनेंस मिनिस्टर इन द एंटरम गवर्नमेंट फिनेंस मिनिस्टर कौन थे एंटरम गवर्नमेंट में तो क्या ये लियाकत अली खान थे या सरदार पटेल थे या मोहम्मद अली जन्ना थे या जवाहरलाल नेहरू थे तो देखें आपको ना ये लाइन ये लिस्ट आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरम गवर्नमेंट या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिसको आप विदेश मंत्री कहते हैं कॉमनवेल्थ रिलेशनस के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर जो उस समय बहुत पो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है तो ये है राजेंद्र प्रसाद जी और इब्राहिम इस्माइल ये मुस्लिम लीग के थे चंद्रीगढ़ इन ये बने थे कॉमर्स मिनिस्टर ठीक है कॉमर्स मिनिस्टर ये बने थे बलदेव सिंह ये थे डिफेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग के थे ये फिनंस मिनिस्टर थे एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी थे मुस्लिम लीग में गजनफर अली खान जी बने थे हेल्थ मिनिस्टर जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर थे लॉ मिनिस्टर थे जे एन मंडल या कि जोग, जोगेंद्र नाथ मंडल ये मुस्लिम लीग के थे ठीक है रेलवे एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे अब्दुल रायब निश्तार मुस्लिम लीग के थे और सी एच भावा तो होमी भावाओ के बारे में आपको पता ही है तो ये पावर माइन एंड वर्क मिनिस्टर थे क्लियर तो यहाँ पे आपसे फाइनेंस मिनिस्टर पूछा गया आपने बता दिया लियाकत अली खान क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह मतलब ये हमारे प्रेसिडेंट हैं तो इनका पूछा जाता है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं पटेल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो होम मिनिस्टर के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर आपके बलदेव सिंह जी हैं और बस इतना पूछा जाता है लेबर मिनिस्टर देख लीजिएगा जगजीवन राम है ओके okay, रामज और होमी भावा के बारे में तो आपको पता ही है तो ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी नेक्स्ट पूछा जा रहा है गांधी जी देखिए गांधी जी पे जो पिक्यूलियर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जो गांधी जी सबसे पहले उन्होंने अटेंड किया था तो जो फर्स्ट सेशन गांधी जी ने सबसे पहले अटेंड किया था उसका वो था उन्नीस का कलकत्ता सेशन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी ने कलकत्ता सेशन को अटेंड किया था इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से क्लियर है हम्म ओके उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहां पे हुआ था तो सबसे पहले गांधी जी को कहां पे देखा गया था तो गांधी जी को भारत में सबसे पहले देखा गया था 1915 में जब बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था तो बेंचू के उद्घाटन में यहाँ पे इनको देखा गया था दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी फेमस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि गांधी जी को चंपारण किसने इनवाइट किया था तो गांधी जी को चंपारण इनवाइट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है इनका नाम है राजकुमार शुक्ला और राजकुमार शुक्ला जी जब के साथ जब गांधी जी आए तो किस प्रणाली के खिलाफ ये गए तो उस प्रणाली का नाम है तीन कठिया सिस्टम तीन कठिया सिस्टम क्या है तीन कठिया सिस्टम कि जैसे एक बिघा में बीस कट्ठा जमीन होता है ठीक है जैसे मान लीजिए ये एक बिघा जमीन है और यहाँ पे कितना कट्ठा है मतलब एक बिघा में कितना कट्ठा होता है तो ये है टोटल आपका बीस कट्ठा जमीन अब इस बीस कट्ठे जमीन में अंग्रेजों ने कहा था कि कम से कम इस तीन कट्ठे में तुमको क्या करना है तुमको सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करना है और लोग इसी के खिलाफ आवाज उठाएं और गांधी जी ने आकर इनकी मदद की तो इस सिस्टम को कहते हैं तीन कठिया सिस्टम है ना ठीक ओके नेक्स्ट वेयर इज शेर शाह टॉम लोकेटेड शेर शाह का टॉम कहां पे लोकेटेड है नहीं रजत ये यूपीएस में बहुत बार आ चुका है पब्लिक अपेयरेंस के बारे में ठीक है अगर आप पुराना क्वेश्चन देखेंगे तो आ चुका है ओके okay. शेर शाह टॉम कहां पे है तो आप जानते हैं कि शेर शाह जो कि चौसा के युद्ध में हुमायूं से जीत चुके थे और उसके बाद क्या हुआ शेर शाह बन गए बादशाह तो मुग़ल बा, मुग़ल बादशाह चल रहा था यानी कि अब बाबर थे 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो हैं वो मुगल डायनेस्टी को यहाँ पे स्टार्ट उन्होंने किया उसके बाद उनके बेटे थे हुमायूं जिनके बेटे अकबर थे ठीक है तो हुमायूं जब आए तो एक्चुअली हमायूँ थोड़े अनलकी थे इनको शेर शाह ने हरा दिया जो कि शेर शाह जौनपुर में उनके पिताजी दीवान थे और शेर शाह ने उनको हरा कर शेर शाह का ओरिजिनल नाम फरीद खान था और जब उन्होंने एक शेर को हराया माना जाता है तब से उनका नाम शेर शाह पड़ गया तो शेर शाह ने उनको हरा दिया और फिर वो बन गए नेक्स्ट बादशाह इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि अकबर ने तक इनके रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो किया लेकिन शेर शाह बैक फायर यानी कि ये फायर कर रहे थे और उसी का बैक फायर उनको लग गया और इनका निधन हो गया साथ ही साथ जब आप हुमायूं के बारे में देखते हैं तो हुमायूं जो है वो जब राजा वापस बन गए क्योंकि शेर शाह का निधन हो गया था है ना तो इस कारण से हुमायूं फिर से राजा बन गया और हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर गए थे इसीलिए हुमायूं गिर के वहां पे उनका निधन हो गया तो शेर शाह का मकबरा आपको पता है कि सासाराम सासाराम सासा में में। जो है रोहतास आपसे पूछा जा रहा है कि कुवर सिंह किस जगह से रिलेटेड है कुंवर सिंह ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कभी बहुत बड़ा चुका है आपको इसके साथ और भी चीजें पता होनी चाहिए कि 1857 में, 1857 में में दिल्ली के जो आ, थे राजा उनका नाम क्या था इनका नाम था दिल्ली में दिल्ली किसने लीड किया था तो बहादुर शाह जफर जी ने लीड किया था बहादुर शाह जफर राइट बहादुर शाह जफर फिर पूछा जाता है कि झांसी से किसने लीड किया था तो रानी लक्ष्मी बाई रानी लक्ष्मी बाई और रानी लक्ष्मी बाई को जो हराने वाले थे उनका नाम था ह्यूग रोज और ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मी बाई के बारे में कहा था कि ये एक ही मतलब शी वॉज द ओनली मैन बैटल फील्ड नेक्स्ट कानपुर से कौन थे तो कानपुर से नाना साहेब जो कि मराठा थे नाना साहेब और तात्या तोपे थे तात्या तोपे थे ओके okay. फिर लखनऊ से कौन था लखनऊ यानी कि अवध तो अवध से थी बेगम हजरत महल ओके okay. फाइन तो झांसी हो गया कानपुर हो गया अवध हो गया दिल्ली हो गया एक दो तीन चार पांच आप मुझे कमेंट कमें सेक्शन में बताएंगे कि फैजाबाद से कौन थे फैजाबाद से कौन थे क्लियर ओके okay. फिर बात जब क्वेश्चन जो है ये है कुवर सिंह के ऊपर तो कुवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के थे कुवर सिंह जगदीशपुर के थे नेक्स्ट क्वेश्चन लाला हरदयाल द्वारा बनाया गया ये पार्टी जो कि एक्चुअली एक मैगजीन के नाम पे पड़ा था मैगज़ीन लिखा गया था गदर नाम से और फिर इस पे ही इसी नाम पे एक पार्टी पड़ गया जिसका नाम है गदर पार्टी तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है गईज कि गदर पार्टी जो है ये कहाँ पे इस्टैब्लिश हुआ था गदर पार्टी वो स्टैब्लिश इन विच सिटी या विच प्लेस विच कंट्री वट यू कैन से लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन मैडम बिकाजी कामा के बारे में भी आपने सुना है कि मैडम बिकाजी कामा जो है स्टूट गार्ड स्टूट गार्ड ये जर्मनी में है वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराया था मैडम बिकाजी कामा इनको मदर ऑफ मतलब मदर ऑफ जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है ठीक है और ये जो आपका गदर पार्टी है ये स्टैब्लिश कहाँ पे हुआ तो ये स्टैब्लिश हुआ कैलिफोर्निया मतलब सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को और जो कि कैलिफोर्निया में लाला तो हरदयाल थे और मोहन सिंह भागना जी थे बिहारी तो इंडियन बोस इंडियन का जो था, तो ये था और इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली दो जगह एक सिंगापुर में भी और एक रंगून में भी बनाया गया था तो और यहाँ पे जब वापस आए वहां मतलब कैप्टन इसमें थे मोहन सिंह और जब सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो गए तो उनको पूरी की पूरी आर्मी हैंडओवर की गई और उन्होंने कोहिमा एक्सपेडिशन शुरू किया था कोहिमा एक्सपेडिशन ठीक है रजत बता रहे हैं फैजाबाद जिसको आप अयोध्या कहते हैं मौलवी अल अलमदुल्ला इनका नाम है अच्छा ठीक है विदेश भूमि पर अच्छा एक और क्वेश्चन आप बताइए जब बता रहे हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने शुरू किए थे सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे और थर्ड इंडिविजुअल सत्या तीनों बार में वही गलती है सत्याग्रही कौन थे हाँ तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कौन थे टिल देन यू कैन टेल मी दिस क्वेश्चन ऑल्सो विदेश भूमि पर भारत का झंडा लहराया उन्होंने काम बिगाजी वि, कामा जी ने बिल्कुल ठीक है तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही 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 का नाम था विनोबा भावे सेकेंड का नाम था जवाहरलाल नेहरू और थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही का नाम था ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त ठीक है ओके okay. थर्ड वाले का नाम आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी मैंने बता दिया है ओके okay. फिर व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन आई वाज आस्किंग आई वाज आस्किंग कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था तो उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था और गांधी जी जब भारत आए थे तो एक्चुअली यही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाया गया गांधी जी ने इसको ही ज्वाइन किया था एम जी राणा डे नहीं है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद चाटर्जी बंकिम चंद चाटर्जी ने किताब लिखी है आनंद मठ आनंद मठ किताब से ही आपका वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग को यहाँ पे एंथम कौन है जनगणमन है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है ये किताब लिखी गई थी आनंद मठ और ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी बंकिम बंकिमचंद चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता था कहीं कहीं अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रिवॉल्यूशन था या कौन सा ऐसा रिवोल्ट था जिससे नहीं गलत आंसर बता रहे हैं। जिससे ये प्रभावित हो गए और ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम पढ़ा आनंद मठ और प्रभावित होने के कारण इस रिवॉल्यूशन uh, का मेंशन भी है यहां पे, ठीक है हाँ ओके okay. तो यह है सन्यासी रिवोल्ट ठीक सन्यासी रिवोल्ट हुआ था बंगाल में और सन्यासी रिवोल्ट का मेंशन है आपके इस किताब में जिसका नाम है आनंद मठ और आनंद मठ किताब से ही आपका नेशनल सॉन्ग लिया गया है नेशनल सॉन्ग जिसका नाम है वंदे मातरम ओके सन्यासी रिवोल्ट है कीप इट दिस इन माइंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल सबके घर में है किसी uh, दिन ऑन करके खिड़की दरवाजा बंद करके भूम मत कर जाना तो जब भी ऐसा स्मेल आएगा एल का तो तुरंत से क्या करना है खिड़की दरवाज़ा खोल देना है अब आपसे पूछा जा रहा है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि एल पी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री आपसे पूछा जा सकता है मिथेन में कितना कार्बन होता है एक इथेन में कितना कार्बन होता है दो प्रोपेन में तीन कार्बन होता है और ब्यूटेन में चार कार्बन होता है ये आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो आजकल हम ट्रेंड में देख रहे हैं वो भी सुन लो ध्यान से बालक बालिकाओं सुनिए ध्यान से जब भी एक भी कार्बन होगा ठीक है जैसे ये मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन इस तरह से लिखा है ना थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद आप लोग भूल गए हो काउंट करना तो जब भी एक कार्बन होता है ना तो उसके चार साइड लाइन खींच दो सबसे पहले एक कार्बन के चार साइड लाइन खींच देना चाहिए ठीक है और मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है आपके पास मिथ है मिथ का मतलब होता है सिर्फ एक कार्बन और एन है एन का मतलब होता है सिंगल तो आपको सब जगह क्या फिट कर देना है हाइड्रोजन फिट कर देना है अब ये क्या बन गया सी एच फोर तो अभी रिसेंट ट्रेंड मैंने देखा है उसमें पूछा जाता है कि अगर आप मिथेन बना रहे हैं तो इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली क्या होता है पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा वीक होता है। होता है 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 सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग ना तो जब भी, जब भी भी सिंगल बॉन्ड होगा जब भी सिंगल बॉन्ड होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ है और यहां पे मान लीजिए हाइड्रोजन 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 ठीक तो जब दो कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे इथ लिखेंगे दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे ये हो गया बाकी जगह आप हाइड्रोजन फिट कर दीजिएगा क्योंकि कार्बन के चारों साइड कितना बॉन्ड होना चाहिए चार बॉन्ड होना चाहिए तो यहां पे आपको समझ में आ गया लेकिन मान लीजिए अगर हम डबल बॉन्ड लिखे सी सी डबल बॉन्ड ठीक है और दो कार्बन है यानी कि हम क्या लिखें इथ लिखें और डबल बॉन्ड है यानी कि हम इन लिखें डबल बॉन्ड है यानी कि हम इन लिखे हैं अब देखिए काउंट कीजिए इस कार्बन में ऑलरेडी दो बॉन्ड है इसको दो बॉन्ड और चाहिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया इस कार्बन में भी दो बॉन्ड है इसको दो बॉन्ड और चाहिए तो यहाँ यहाँ हो गया तो ये क्या बन गया जो इथीन है आपका वो बन गया C2 और H4 और जो इथेन है आपका ये बना हुआ है C2 और H6 ये सब तो चलो ठीक है अब ये हम समझाने का क्या तात्पर्य है कि जब भी एक बॉन्ड रहेगा तो वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहेगा एक बॉन्ड हमेशा क्या होता है सिग्मा बॉन्ड जब डबल बॉन्ड रहेगा यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड क्या होता है एक सिग्मा होता है एक पाई होता है और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे तो ये जो तीन बॉन्ड है तीन बॉन्ड में क्या फंडा होता है कि तीन बॉन्ड आप कर दीजिए एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो गया क्लियर है यहां तक तो अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस चीज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि इथेन का स्ट्रक्चर बना के बताइए कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है यह पूछा हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में पूछा जा रहा है ठीक है तो यहां पे आपको C का डबल बॉन्ड बनाना है एक एच इधर बनाना है एक एच इधर बनाना है एक इधर और एक इधर। अब देखिए सिंगल बॉन्ड कितना है एक दो तीन चार पांच तो पांच सिग्मा हो गया और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड सिर्फ आपको यहां पे दिख रहा है तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड हो गया क्या यहां तक क्लियर है चीजें क्या यहाँ तक क्लियर है साइंस ऊपर से क्यों जाएंगे बहुत इजी है बहुत इजी है अगर आप मेरा बात सुनेंगे ध्यान से तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन है तो आप बोलेंगे मिथ ठीक अगर आपको दो कार्बन दिख रहा है तो आप बोलेंगे इथ ठीक है अगर आपको तीन कार्बन दिख रहा है तो आप बोलेंगे प्रॉप सुन लीजिए तक पूछा जाता है आप अगर आपको चार कार्बन तक पूछा जाता है तो आप बोलेंगे ब्यूट ठीक है ओके अब okay. देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है सब में कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो सब में आप एन 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 लगा दीजिए अब बोलोगे अगर मान लीजिए मैम ऐसा होता कि सिंग जैसे ये हम सिंगल बॉन्ड का आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो अब आपने क्या करना है कि एक कार्बन में आपको चार बॉन्ड चाहिए एक कार्बन में कितना बॉन्ड चाहिए चार तो ये कार्बन अकेला है यहां 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 भर दो क्या भरोगे हाइड्रोजन 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 तो गया एक सी और चार एच। हो गया मिथेन। अब ये वाला जो कार्बन है इसको भी चाहिए एक दो तीन एक दो तीन ठीक है तो यहाँ पे भी आप एच भरिएगा ये भी एच ये भी एच ये भी एच ये तो छे एच आप और यहाँ पे सी टू भरे ठीक फिर आप यहाँ पे भी भरेंगे ऐसे 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 तो काउंट कीजिएगा तो आठ एच आएगा और सी आएगा थ्री फिर आप यहाँ पे जब आप काउंट कीजिएगा ठीक तो सी आया चार और एच आया आपका कितना तो एच आप काउंट कीजिए यहाँ पे दस अब आप बोलोगे कि मैम तो ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे कुछ होगा ना इसका भी फंडा तो ये जितने भी एन होते हैं ना हम लोग इसको एल्केन बोलते हैं और जब एल्केन होता है तो इसमें फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू यानी कि देखिए अगर आप एन की जगह चार रखेंगे तो टू इंटू चार प्लस टू यानी कि सी फोर एच टेन आएगा ऑटोमेटिकली समझ में आ गया फंडा ओके अब इतना समझाने का मतलब क्या है कि जितना सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सब कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर ओके अगर मान लीजिए ऐसा है कि सी डबल बॉन्ड है चार हो गया इसका भी सी डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका दो हो गया तो यहां पे भी आप क्या भरेंगे हाइड्रोजन भरेंगे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन तो सी टू एच फोर हो गया और ये हो गया सी टू एच टू तो इसका फॉर्मूला यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है आप इसको क्या बोल देंगे और इन बोलेंगे और ये है इथ है तो आइन बोलेंगे ट्रिपल का मतलब होता है आइन तो हम लोग इसको एल्काइन बोलते हैं और डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन तो हम लोग इसको एल्कीन बोलते हैं ओके क्लियर गाइज तो अब यहां पे जो फॉर्मूला है ये सी एन एच टू एन और ये फॉर्मूला है सी एन एच टू एन माइनस टू और अगर आपसे यहां पे पूछा जाएगा कितना पाई बॉन्ड है तो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई तो यहां एक पाई बॉन्ड है और अगर यहां पूछा गया कि कितना पाई बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और दो पाई तो यानी कि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आर वी क्लियर यस सो वी कैन ऑल्सो स्टडी साइंस जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बोर्ड हो जाए तो थोड़ा साइंस भी पढ़ सकते हैं बढ़िया है। चले ओके okay, नेक्स्ट क्वेश्चन so वॉज कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या है तो अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना हो तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपको पता है सब एन, 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 एन है। तो आप बोलेंगे कि मिथ का मतलब होता है एक कार्बन तो यहाँ पे एक कार्बन का लगा लो फॉर्मूला मतलब होता है दो कार्बन तो यहाँ पे दो कार्बन का फॉर्मूला लगाओगे तो C2H6 टू एच सिक्स आएगा प्लस टू इंटू टू करके प्लस टू कर देना है तीन का लगाओगे तो तीन इंटू टू हो गया छ प्लस टू आठ हो जाएगा ब्यूटेन का लगाओगे तो चार इंटू टू प्लस टू दस हो जाएगा क्लियर है गाइज नाउ द आंसर इज कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में दो चीजें होती हैं मेजरली और ये है आपके कौन कौन से प्रोपेन और ब्यूटेन फाइन अगर एक ऑप्शन आया तो आप ब्यूटेन टिक करेंगे क्लियर अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम रेडी स्टडी गो ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन निमोनिया की बीमारी क्या पूछा जा रहा है निमोनिया की बीमारी ये आप जल्दी से बताइए कि ये कौन से ऑर्गन में होती है निमोनिया की बीमारी ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में गईस निमोनिया इज इन विच ऑर्गन जी। बिल्कुल तो ये निमोनिया की बीमारी है लंग्स में होती है ठीक है लंग्स में निमोनिया की बीमारी होती है जब भी नेफ्रो पूछा जाएगा ना नेफ्रोलॉजी तो नेफ्रोलॉजी इज रिलेटेड टू किडनी ओके और न्यूरो यानी कि दिमाग से अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट क्या है तो वो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब क्या इसमें फिजन होता है क्या इसमें फ्यूजन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो क्या होता है तो देखिए हाइड्रोजन में फ्यूजन कैसे होगा अगर थोड़ा सा भी केमिस्ट्री आपको आता है तो हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन तो होता नहीं है अब ये सबसे छोटा है अब इस ये टूट के बनेगा क्या इससे छोटा तो है ही नहीं कुछ तो फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि फ्यजन का मतलब क्या होता है फ्यजन का मतलब होता है टूटना जैसे कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है किसी भी चीज़ का कुछ भी है या एक एटम है तो जब ये टूट गया दो में तो ये दो बनता है और ये हो गया आपका फिजन ओके okay. और जब दो जो है वो छोटे छोटे जुड़ जाए तो ये एक बनते हैं और ये होता है आपका फ्यूजन और वे क्लियर विद ओके तो क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो टूट नहीं सकता वो सब जुड़ सकता है है ना तो यहां पे फ्यूजन तो होगा नहीं जुड़ के क्या बनेगा हीलियम बनेगा हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है और हीलियम बनता है हाइड्रोजन में क्या होता है एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और जीरो न्यूट्रॉन होता है ये भी पूछा गया बहुत बार ठीक है तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये जुड़ेगा और ये बॉम्ब है तो बॉम्ब किसी बॉम्बसे कंट्रोल में थोड़ी होगा तो ये अनकंट्रोल्ड फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ये जो बॉम्ब आपको दिख रहा है ये क्या है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन है बिल्कुल अभी एफ कैट में भी आया है ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार अभी देखिए इस साल क्या हुआ कि हम लोग बन गए क्या वट वी हैव बिकम वी हैव वी हैव बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये दो में हुआ तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्योंकि हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका है ब्रिटेन है उसके बाद आपका फ्रांस है रशिया है चाइना है मैंने यहां पे जर्मनी को काटा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जर्मनी सोचते हैं राइट तो ये पांच आपके परमानेंट हैं और हर साल में दूसरी बार कि जैसे 2021 है तो अब इंडिया मतलब हर में दूसरी बार जो है पांच पांच साल के बाद क्या बोल रहे हम हर दूसरी साल पांच अलग, अलग अलग कंट्री जुड़ाते हैं लेकिन हर एक टाइम में पंद्रह कंट्री होते हैं अब इसका क्या फंडा है तो इसका फंडा ये है कि जैसे मान लीजिए कि पांच परमानेंट मेंबर है ठीक है अब 2020 में जो चुनाव है उनका कार्यालय खत्म होगा 2022 में दो साल के लिए चुनाते हैं और फिर 2024 में तो इसमें ये लोग इस राउंड पांच में पांच मेंबर को चुनते हैं और एक दूसरा राउंड भी रखते हैं 2021 2023 2025 का और यहां पे भी ये लोग पांच मेंबर को चुनते रहते हैं तो एक टाइम में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर वो होते हैं दस और जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो होता है पांच तो दोनों को मिलाकर जो टोटल हम लोग लेते हैं टोटल ये आ गया आपके पंद्रह तो टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, तो हैं पंद्रह तो और नॉन परमानेंट हो गए दस और परमानेंट हो गए पांच अब भारत को जो यहाँ पे चुनाया भारत तो एक जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बहुत जल्दी हम लोग परमानेंट मेंबर बन जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल इसके हम नॉन परमानेंट मेंबर के तर्ज पे चुना गए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये हो गया एक जनवरी दो नेक्स्ट अभी कुकू कु कु कौन है सिमिलर टू कुकू कभी बोलो श्रुति हसन कभी बोलो रानी मुखर्जी है ना मेरा आवाज़ मेरी जैसा है अभी इंडिया इसी से रिमूव हुआ है हाँ बिल्कुल तो हो गया ना टाइम खत्म हो जाएगा तो हट जाएगा अरे कौन है भाई ये कु, 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 अब गूगल कर ले क्या हम स्पूतनिक पांच स्पूतनिक पांच ये कोविड वैक्सीन है भारत का क्या आप बता सकते हैं कि स्पूतनिक पाँच जो है ये कोविड वैक्सीन भारत का ये इंडिया को दिया गया कहाँ से आया अच्छा कोयल कोयल की आवाज है ज्यादा नहीं हो गया तो ये है आपका कहां से लिया हमने रशिया से लिया रशिया से ठीक है इसको टिक कर दें वरना आप लोग बोलेंगे मैडम हमको नहीं क्लियरली समझ में आया म्यूट करके कर देख रहे थे तो ये रशिया हो जाएगा ओके नेक्स्ट पेगासस पेगासस वायरस पेगा तो ये पेगासस आपके सिस्टम में चला जाएगा खूब ही तरीके से आपके सारे डेटा को निकाल लेगा और फिर करप्ट हो जाएगा और ये सब होता है तो spyware, ये किस कंट्री में डेवलप किया गया है तो हैज़ बीन डेवलप्ड इन इसराइल ब्राजील रशिया चाइना इन विच कंट्री सो इट हैज बीन डेवलप्ड इन इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन इसराइल ठीक है चले पेगसिस नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक तो देखिए ये इसमें ना दो चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक तो है 1938 का सेशन और एक है 1939 का सेशन अब इसमें पहले हमको मैच द फॉलोइंग करके ये बताइए कि तिरु तिरुपुरी सेशन कौन सा है और हरिपुर सेशन कौन सा है हरिपुर गुजरात में है तिरुपुरी जो है मध्य प्रदेश में है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि तिरुपुरी सेशन कौन सा है और हरिपुरी हरिपुरा सेशन कौन सा है ये बताए ठीक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा कि क्योंकि इन्होंने थर्टी नाइनटीन थर्टी नाइन को अब गांधी जी चाहते थे कि प्रताभी सीतारामैया ये बन जाए प्रेसिडेंट और बन गए प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल त्रिपुरी सेशन का वो कहानी है यानी कि हरिपुरा सेशन जो है वो थर्टीन नाइनटीन थर्टी एट का है तो यहाँ पर क्या हो गया बोस बन गए अब गांधी जी चाहते थे पिता भी सतार रमैया बने और बोस बन गए तो इनको लगा बोस को कि ठीक है गांधी जी का जो है वो मान रख लेते हैं इन्होंने रिजाइन ही कर दिया एज प्रेसिडेंट के पोस्ट से कांग्रेस नहीं छोड़ा था उस समय उसके बाद पूछा जाता है कि अच्छा इन्होंने रिजाइन कर दिया पिटा भी सितारा मैया भी नहीं बने तो बना कौन प्रेसिडेंट उस सेशन का तो उस सेशन के प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद ठीक है तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो वही राजेंद्र प्रसाद जी, जी जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ठीक तो नाउ द क्वेश्चन इज कि कांग्रेस से ये चले गए और क्योंकि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इनको हटा दिया कांग्रेस से तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो इन्होंने बनाया वो किस साल बनाया था तो देख लीजिए आप ये 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इन्होंने छोड़ा तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था ठीक अब देखिए किताब पे सवाल आते हैं अगर आपने अभी तक इसको लग रहा है कि आप नई नई चल जाएगा हो जाएगा बहुत बड़ा गलती कर दो किताब पे सवाल आते हैं खासकर कालिदास का कौन सा किताब नहीं है या कौन सा है वो पता होना चाहिए अगर आप कालिदास के किताबों को देखेंगे लिस्ट ध्यान से तो वो कभी ना हर कोई ना कोई किसी किसी नाम पे है जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम तो अभिज्ञान नाम है ऋतु ऋतु वाश्रम जो है वो ऋतु नाम है एक ज्योति नाम पे एक विक्रम नाम पे है तो इस तरह से पहला जो अक्षर है उसका वो किसी नाम पे है तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं अब एक और किताब बहुत फेमस है तो वो है राज तरंगनी ये किताब भी बहुत बार आपसे पूछा गया है जो कश्मीर की कहानी है देखिए अभी कश्मीर न्यूज में तो पूछा जा सकता है कश्मीर की कहानी कौन से किताब में बयान है तो ये जो है ये कौन सी किताब है राज तरंगनी तरंगनी और ये किताब किसने लिखी है कल्हन ने लिखी है किसने लिखी है, किस है? कल्हन ने लिखी है इसको आप याद रखेंगे साथ ही साथ जीरो की आविष्कार किसने की ये सवाल पूछा गया है तो जीरो की आविष्कार किसने की ये आपको याद होना चाहिए मृग चटिका मुद्रा राक्षस ये सब किताब बहुत फेमस है काफी बार पूछे गए हैं तो यू शुड बी नोइंग इट इट इज योर ड्यूटी इट शुड नो इट तो मृग चटिका किताब शुद्रक ने लिखी है शुद्रक ने मृग छटिका किताब लिखी है भाटी भाटी ने किताब लिखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं रावण वध रावन भद वध भाटी बोले या भट्ट भाटी बोले तो इन्होंने किताब लिखी है इनको हम भाटी काव्य के नाम से भी जानते हैं ये इन्होंने किताब लिखी है भाटी कव्य जिसको रावण वध के नाम से जाना जाता है तो ये भाटी ने लिखी है कालीदास पे तो खैर बहुत किताबें हैं तो कालीदास की मालविकांग मित्रम मेघ दूतम सब किताबें आपको जितना भी वर्ड जो फर्स्ट अक्षर है फिर मैंने बोला कि फर्स्ट जो वर्ड है वो नाम पे ऋतु ज्योति विक्रम अभिज्ञान काली फिर मालविका ये सब नाम पे इसको आप ध्यान रखेंगे मेघ ओके okay. और ये जो किताब आपसे पूछा गया जुनिया ये भारवी ने लिखी है भारवी ने ये किताब लिखी है सो दीज आर द चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए इसको आप देख लीजिए और कुछ कुछ बुक्स आते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं ठीक अब देखें क्योंकि इस बार धोलावीड़ा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है तो आपसे पूछा जा रहा है कि धोलावीड़ा के बारे में नहीं पूछा जा रहा है धोलावीरा तो गुजरात में है ही आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गुजरात में कौन सा जगह है

कालीबंगा कालीबंगा का मतलब काली रंग की चूड़िया यहां से ऊंट का भी वो मिला अवशेष कैमल तो पीली बंगा कालीबंगा ये सब कहां पे? ये राजस्थान में है ओके okay. ठीक है राखी गिरी राखी गिरी अभी न्यूज में है। ये हरियाणा में है और बाकी लोथल के साथ साथ धोलावीड़ा आप याद रखेंगे धोलावीड़ा ये कहां पे ये आपका है गुजरात में ओके okay. क्लियर अंडरस्टूड हाँ ठीक विजयनगर किंगडम विजयनगर किंगडम किसने इसको स्टार्ट किया था हु हैज फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजय नगर एंड द कैपिटल ऑफ विजयनगर हैज बीन आस्क्ड सेवरल ऑफ टाइम्स सो यू शुड बी नोइंग इट दैट द कैपिटल ऑफ विजयनगर इज हम्पी साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अहोल इंस्क्रिप्शन अहोल इंस्क्रिप्शन जो है यह किसके बारे में लिखा या किसके बारे में बताया गया है तो अहोल इंस्क्रिप्शन यहां पे पुलिकेशन पुलाकेसन टू के बारे में है। हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी पुलिकेशन से और पुलिकेशन ने हराया था महेंद्र वर्मन को और महेंद्र वर्मन की बेटे नरेंद्र वर्मन ने पुलिकेशन को हरा दिया और ये इनका जो वतापी था वतापी इनका जो कैपिटल था उसको जीत लिया और वतापी कोंडा चोला वो, वतापी कोंडा उनको बोला गया नरेंद्र वर्मन को कहानी इंटरेस्टिंग है ठीक चले तो हरिहर और बुक्का हरिहर और बुक्का ने इसको स्टार्ट किया था विजयनगर किंगडम को अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में सवाल आते हैं तो दिस क्वेश्चन इज कि बुद्धिस्ट काउंसिल पहले तो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो और आपको ये वाला बात नहीं पता है एज मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि अभी हम क्या बोलने वाले हैं हम बोलने वाले हैं ए के ए के ए के ए के, -के यानी कि अजात शत्रु ठीक है और फिर हम बोलेंगे काला अशोक फिर बोलेंगे अशोक डबल ए हो गया ओके okay. कनिष्क और फिर क्या बोलेंगे आर वी पी के राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र और कश्मीर ठीक है तो ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ जिसमें से सिर्फ एक बिहार के बाहर हुआ इसको आपको याद रखना है अब आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे अशोक के समय में जो प्रीस थे जो अध्यक्ष थे जो पंडित जी थे उनका नाम था मोगली पुस्त पुतिस मोगली पुतिस तो आपसे पूछा जा रहा है वन टू और थ्री में कौन वन टू और फोर में कौन थे तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक बार हम लोग अच्छे से देख ही लेते हैं कि जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था ना इसको काउंसिल जो है ये कहाँ हुआ सतपानी केव सतपानी केव बहुत फेमस है लोग जाते हैं देखने के लिए तो ये राजगीर में हुआ ठीक है राजा कौन थे तो आजाद शत्रु पढ़ चुके हैं हम लोग और महाकश्यप महाकश्यप यहाँ पे ये फर्स्ट बुद्धिस्ट मतलब ये फर्स्ट वो थे और महाकश्यप आपको पता है जब बुद्धा ने सर्मन दिया था तो उसमें भी महाकश्यप थे ठीक तो ये महाकश्यप थे ओके हाँ तो ट्रिक फॉर जो प्रीस्ट है वो एमएस एमवी है अब इसमें क्या हुआ है? एक सू सूत पितक लिखा गया जो कि आनंद ने लिखा और विनय पितक लिखा गया जो कि उपाली ने लिखा ठीक है आनंद ने लिखा और विनय उपाली ने लिखा पितक भी यहाँ पे रिसाइट किया गया था नेक्स्ट है काउंसिल तो सेकेंड काउंसिल आप जानते हैं कि ये किसने करवाया ये काल अशोक ने करवाया सेकेंड काउंसिल काल अशोक ने करवाया ये वैशाली में हुआ और साबाकामी साबाकामी जो है वो यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल थे ठीक थर्ड थर्ड मोगली पुस्त अशोक ने करवाया पाटलिपुत्रा में करवाया क्लियर सेकेंड वाला कहां पे हुआ था वैशाली में हुआ था और थर्ड वाला पाटलिपुत्रा में हुआ और फोर्थ वाला जो है ये वसुमित्र ने करवाया जिसमें हीन यान और महायान जो है ये बायफरकेट हो गया ये कनिष्क कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ कनिष्क राजा थे वो करवाए थे और इसके बाद दो और हुआ तो टोटल छ काउंसिल्स हैं सो so, ये है राइट right? नाउ दिस क्वेश्चन यानी कि अब हम यहां से कल से जो है पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दिस आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क और इसको होमवर्क सिर्फ इतना नहीं करना है आपको यहां पे पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है

टू राइट अगेंस्ट अन टचबिलिटी एंड इनडिसक्रमिनेशन ये किस आर्टिकल में ये सब चीज़ें एज द एस्पेरेंट ऑफ सी डी एस यू मस्ट बी नोइंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स टुमारो सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टोरी इसी तरह से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है आप नए स्टूडेंट हैं तो आप आज इनरोल कर सकते हैं सी डी एस बैचेज में सब में डबल वेलिडिटी का ऑफर है अगर आप महापैक लेते हैं तो एफ़ कैट जो नया फाउंडेशन आ गया एफ कैट का सी डी एस का फाउंडेशन आने वाला है साथ ही साथ सी ए पी एफ आई टी बी पी असम राइफल्स बी एस एफ और हर एग्ज़ाम अग्निवीर मिलाकर आप डिफेंस की सारी तैयारी कर सकते हैं आपको बस इस वेबसाइट पर आना है यहाँ पर देखिए हम एफ कैट का फाउंडेशन बैच भी आ चुका है ठीक है तो आपको डिफेंस में आना है आई विल रिकमेंड डिफेंस का महापैक टूडे क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ई बुक्स लाइव क्लासेज और साइमल्टेनियसली uh, जैसे आप एफ कैट का क्लास कर रहे हैं सी डी एस का क्लास कर रहे हैं एफ कैट में मैंने रिवर्स पढ़ा दिया सी डी एस में पॉलिटी पढ़ा दी तो साइमल्टेनियसली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो ये दो साल का मिलेगा अगर आप एक साल का लेंगे आज यानी कि आधा गिफ्ट है क्योंकि डबल वैलिडिटी है और अगर आप छः महीने का पैक लेते हैं तो ये छः महीने का पैक आपको आज मिलेगा पूरा एक साल के लिए ठीक है नाउ टेन थाउजेंड ट्रिपल नाइन इज द कॉस्ट कोड आप यूज करेंगे वाई तीन सौ बत्तीस तो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू फाइव टू नाइन रुपीज़ आपको इसमें इस बैच का कॉस्ट है जो आप आज इसको ले सकते हैं ठीक है टू फाइव टू नाइन रुपीज़ का ये बैच आपको मिल जाएगा सी डी एस सी ए पी एफ एफ कैट के लिए बेस्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम महापैक जो कि डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का है तो थैंक यू जय हिंद प्लीज़ दस बजे का टाइम थोड़ा निकाल लो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है सीडियस में आने के थैंक यू